कौन स्ट्रीम स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 में हमने लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा उसके बारे में पढ़ा, और उसी चैप्टर में अभी जो ग्रामर है, व्याकरण, भाषा सज्जता, जिसमें क्रिया काल के टॉपिक के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के द्वारा आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि क्रियाकाल में कैसे भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम ग्रामर के टॉपिक को जानते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन के बाद इस लेसन में भाषा सज्जता है, जिसमें हमारा टॉपिक है क्रियापद। फ्रेंड्स, आप सब क्रियापद किसे कहते हैं उसे जानते हैं। हमने क्रियापद के बारे में जाना है, क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। यानी कि फ्रेंड्स, इस वाक्य के नीचे जो लाइन खींची हुई है, जिस शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, वो हमें क्रिया बताते हैं। यानी कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। तो ये वाक्य में हमें क्या बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो, ऐसा बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो वो वर्तमान काल का वाक्य है, चलेंगे। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अंडरलाइन किए गए शब्द है, मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कौन से रूप के हैं? तो मीना कल मुंबई गई, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। हेमंत ने पत्र लिखा, तो हेमंत ने पत्र लिख लिया है, ऐसा है, तो वो भी भूतकाल का है। माँ ने दिया जलाया, तो वो भी भूतकाल है, और गीता ने पानी पिया। तो ये सभी क्रिया से जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध होता हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना आगे के जो सेंटेंस थे वो भूतकाल के हैं। अभी जो सेंटेंस है वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसका काल समझते हैं। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अंडरलाइन किए गए शब्द है, उससे सूची होती है कि अभी क्रिया करना बाकी है। तो ये क्या बताता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो भविष्य काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ काल के भेद बताए हैं। क्रिया कैसे होती है, क्रिया में क्या करना है, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो, उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख तीन भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
तो फ्रेंड्स, इस ग्रामर के अंदर हमको मालूम पड़ते हैं काल के मुख्य तीन भेद। इसकी आगे के इकाई में हम फ्रेंड्स से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।